नमस्कार स्वागत है आपका फेल्ड स्टडी मंत्रालय ट्यूब चैनल पे साथियों के बी एस शिक्षक भर्ती आपको मालूम है कि इसका सब कुछ हो चुका है रिजल्ट आ चुका है अलॉटमेंट भी हो चुकी है लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया भर्ती में और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि आपकी भर्ती में कोर्ट केस हो चुका है और इस भर्ती में धांधली हुई है सबको मालूम है ये बात तो क्या करता है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ शुरूआत से एक्सेप्ट कर रहा हूँ अन्यथा की स्थिति में इतनी कट ऑफ नहीं जाती सही बात तो यह है दूसरा छात्रों के साथ में वहाँ भी खेल कर दिया गया जब ये इंटरव्यू हुआ तभी खेल कर दिया गया बहुत सारे लोगों को सीरीज से नहीं लिया गया ये हकीकत बात है तो इसमें हो गया कोर्ट केस क्या इसकी पॉसिबिलिटी है क्या संभावना है कि आगे इसमें क्या होगा फर्दर इसमें क्या होने वाला है कि इस पर देखो सीधी बात ये है इन लोगों ने ये कहा है कि धांधली तगड़े लेवल पर हुई है और इस भर्ती में हमको स्टे चाहिए ठीक है साथियों स्टे के लिए भर्ती का जैसे अलॉटमेंट हुआ है मतलब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गए और अपना स्कूल भी वगैरह अलॉट होने लगे हैं तो इसमें ये कहा है कि इन लोगों ने कि इसमें धांधली हुई है और इसकी जब तक चेक जांच नहीं हो जाती जब तक इसको स्टे दिया जाए तो इसे पॉसिबल है मुझे लग रहा है थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न ये है कि आपको इसमें स्टे मुश्किल मिल पाएगा लेकिन हो सकता है देखो कोर्ट केस है कोर्ट केस से कुछ भी आउटकम्स निकल सकते हैं ये कुछ भी हो सकता है लेकिन जो लगता है कि अब सब चीज़ हो चुकी है प्रक्रिया सब पूर्ण हो चुकी हैं आपको थोड़ा सा पहले जागना चाहिए था क्योंकि इसमें भर्ती में धांधली तो बहुत तंगड़े लेवल की हुई है इतने तो तंगड़े लेवल की चीटिंग हुई है इसका कोई जवाब नहीं अगर ये तुम्हारी जो कट ऑफ गई है जो बी शामिल होते ना तब भी नहीं जाती इतनी कट ऑफ जो धांधली नहीं होती तो धांधली यहाँ भी हुई पहले भी पेपर में धांधली हुई उसके बाद आपकी धांधली तुम्हारी तो इंटरव्यू में हुई है बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत कम नंबर दिए गए इसका भी सिस्टम है लेकिन साथियों ये सब चीज़ अब बेईमानी सी लगती हैं बहुत सर से पानी गुजर चुका है तो ये मान लो कि अब थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है लेकिन फिर भी आप एक होप रखिए जो केस कर रहे हैं उनके लिए होप ही होगी तभी तो केस कर रहे हैं लेकिन इसमें धांधली हुई है इस बात को हर कोई एक्सेप्ट करेगा लेकिन इसमें स्टे मिलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन साथियों एक चीज़ बता दूँ एन आई वाले साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से एन से आपने डी किया था पंद्रह अठारह महीने का कोर्स किया था क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है कि नहीं मिला है कुछ लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिला है लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मेरे भी संपर्क में है उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है ठीक है साथियों अगर आपको मिला है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है लेकिन आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये चीज़ खत्म कर दी गई है कि एन आई वालों के लिए विचार करिए मतलब विचार क्या करेगा मतलब उनके लिए हटा दिया गया है सीधी बात यह है अगर साथियों ही वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो वेटिंग लिस्ट उसमें तो हंड्रेड परसेंट आने वाली है और आपको बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट दिखेगी देखने को और हो सकता है कि अच्छे खासे नंबर पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिले क्योंकि जो एन आई डीलर वाले बताए थे मैंने वो हट सकते हैं दो हट गए मतलब वो तो हट ही जाएंगे और बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो साउथ में नहीं जाएंगी अदर स्टेट में नहीं जाएंगी तो वो लड़कियाँ वो छोड़ देंगी तो बहुत सारी भर्तियाँ खाली होंगी पर इसका बेट तो कर सकते हैं जेनुअन है और आपको ये वेटिंग लिस्ट वाली हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेगी और आपको मौका मिल जाएगा और आपके नंबर दो तीन कम हैं तो आपको बिल्कुल मौका मिलने वाला है और आप तैयार रहिए स्टे मिलेगी तो उसमें कुछ और ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशनस आएंगी अगर स्टे मिल गई तो इसमें देख लेना कि रिजल्ट में फिर तो ये आपकी भर्ती अटकी जाएगी फिर तो उसके बाद ही होगा जब सारी चीज़ें प्रक्रिया खत्म हो जाएंगी तब ठीक है साथियों तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको कोर्ट केस के बारे में अवगत हो गए होंगे लेकिन नहीं हुए हैं तो मैंने बता दिया है धांधली तो चीटिंग लेवल पर ही है अगर धांधली इस प्रूफ हो जाती है तो ये मान लेना कि इसमें भर्ती में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है इस भर्ती के अंदर ठीक है साथियों तो ये है छोटा सा वीडियो वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लो बेलाइन दबा दो जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ठीक है साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका